अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों मेरा नाम मुनीर हुसैन है और आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है 11। आज दोस्तों हम देखेंगे कि फेविकॉन को हम किसी कैसे एचटीएमएल में ऐड करते हैं। फेविकॉन क्या होता है उसको आप देख लें। जैसे देखें यहाँ पर इमेज ये नाम लिखा हुआ है मेरी जो पेज मैंने बनाया है एचटीएमएल में, यहाँ पर कोई आइकन शो हो रहा है ये वाला, ठीक है। लेकिन अगर गूगल में देखें तो यहाँ पर जी भी शो हो रहा है और आगे गूगल भी लिखा हुआ है। तो जो जी है ये फेविकॉन आइकन है, ठीक है। इसी तरह और जो दूसरी साइट्स हैं जैसे YouTube को अगर हम ओपन करें तो यहाँ पर YouTube के इस तरफ यहाँ पर YouTube का आइकन लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम फेविकॉन कहते हैं। तो इसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, इस फाइल में हम ऐड करेंगे तो उसको देखते हैं कैसे ऐड करते हैं। ओके दोस्तों, आपने फाइल को नोटपैड में ओपन कर लेना है अपनी जो HTML की आपने बनाई है, और यहाँ पर आपने लिखना है ये छोटी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद लिंक लिंक इसमें लगाएंगे, ठीक है। लिंक स्पेस देंगे उसके बाद REL इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे आइकन ICON, उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे टाइप कि हमारी जो फाइल है वो कौन सी टाइप है, TYPE हमारी इमेज की टाइप है इक्वल टू इसको हम यहाँ पर लिखेंगे इमेज स्लैश PNG, हमारी जो फाइल है वो PNG है, ठीक है। जो हमारी पिक्चर है वो PNG की पिक्चर है। अगर आपके पास JPG है तो यहाँ पर आप JPEG लगाएंगे। तो नेक्स्ट जो होगा आपका वो आप बताएंगे कि आपकी फाइल कहाँ पड़ी हुई है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं href इज इक्वल टू और डबल कोट्स में हम लिखेंगे हमारी फाइल का क्या नाम है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखें हमारी जो फाइल है ये पड़ी हुई है favicon.png यहाँ पर। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर इसके स्पेलिंग सेम आपने लिखने हैं favicon.png, ये आपने लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर इसको हम बंद कर देंगे, इसको कंट्रोल एस करते हैं, ये कंट्रोल एस किया हमने और यहाँ पर आते हैं ब्राउजर में और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करना है हमने। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर हमारा आइकन आ चुका है जो हमारी फाइल में मौजूद था, ये वाला हमारा आइकन था। ये हमारा आइकन कहाँ पर अब शो हो रहा है, यहाँ पर, ठीक है। तो इसको फेविकॉन कहते हैं, ठीक है। तो इसको लगाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है कि ये वाला कोड होता है इसमें, इस तरीके से आपने उसको लगाना होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।